और इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है लेकिन मुझे लगता है एआई जो बेस्ड है वो हमारे इस पे बेस्ड है तो जब तक हम अपने माइंडसेट, ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक चेंजेस लाना मुश्किल है हम कितनी भी फॉलोअप्स कर लें या बातें कर लें या गवर्नमेंट कितनी भी स्कीम्स चला ले स्टार्ट इसको घर से ही होना है और एट अ वेरी टेंडर एज चाहे वो uh, महिला हो या पुरुष हो बचपन से ही जब तक हम घर से कुछ चीज़ों को इंकल्केट करना शुरू नहीं करेंगे जिसमें वैल्यूज़ हैं बिलीव्स हैं बिकॉज़ बिलीफ ही हमारे कॉग्निशंस को गाइड करते हैं कॉग्निशंस हमारे थॉट्स को गाइड करते हैं और थॉट्स हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं हम सिर्फ एक्शंस की बातें करते हैं लेकिन हम पीछे बिलीफ की बात ही नहीं करते हैं तो एक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के इन वोग लिंगों में मैं बताती हूँ टेम्पलेट डूड्स बोलते हैं ठीक है टेम्पलेट डूड्स का मतलब कि हर चीज़ का हमारे पास आज की डेट में एक सेट टेम्पलेट है तो एक पुरुष जो बचपन से अपनी माता को घर पे देख रहा है एक एक छोटा सा स्टेटमेंट जब उनकी बीवी आती है घर में लड़के की वाइफ आती है तो वो कहता है मेरी मम्मी ये सब्जी बहुत अच्छी बनाती है उनसे सीख लेना नाउ द पॉइंट इज अगेन प्रोग्रामिंग क्योंकि एक्सेप्टेंस बचपन से नहीं सिखाया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सेंसिटाइजेशन बचपन से नहीं किया जा रहा है सो so, मेरा कहना ये है कि जो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो एक बेटी के लिए क्यों डिफरेंट होता है और बहू के लिए क्यों डिफरेंट होता है क्योंकि एक सेट पैटर्न चलता चला आ रहा है जिसमें पेट्रियाकी में आ, नीरा मैम ने भी बोला कि महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है तो जाने अनजाने में अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें साइको एनालिसिस भी ऐड होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसे हम आ, क्या इन्फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस करते हैं टी ए में हम बोलते हैं कि हमारे अंदर तीन ईगो स्टेट्स होते हैं पेरेंट ईगो स्टेट चाइल्ड ईगो स्टेट एंड अडल्ट ईगो स्टेट तो अधिकतर ये देखा जाता है कि जब कोई ऐसा पेरेंटल टेप रिकॉर्ड जो हमारे सबकॉन्शियस में फीडेड है जैसे अगर घर में सात बजे के बाद हमारे फैमिली में आ, ऐसी कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली है जहाँ पे बोलते हैं कि लड़कियों को शाम में नहीं निकलना चाहिए तो ये फीडेड है ये रिकॉर्डेड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चाहे महिला होगी वो भी बोलेगी या ये पुरुष होगा तो वो भी बोलेगा इसीलिए जब कोई एक लड़की नए घर में आती है तो एक्सेप्टेंस उसको नहीं मिल पाती है तो मुझे लगता है बहुत टेंडर एज से ही ये स्टार्ट करना होगा घर से स्टार्ट करना होगा जितने स्टेक होल्डर्स हैं स्कूल्स में स्कूल्स uh, में अगर सी बी एस आई सी एस आई जी सी एस सी की हम बात करें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात की जाए अफ्रीका में बहुत सारी जगहों पे ऐसे मेल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जापान में मेल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में एट अ वेरी टेंडर एज तो सिर्फ यहाँ पे एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर पे माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल में टीचर्स की प्रोफेसर्स की कॉलेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी दिल्ली का केस आप सबने देखा होगा जो एक जापान से आई महिला के साथ होली में जो केस अभी हुआ है तो बाई स्टैंडर्ड अगर हैं तो ये चीज़ें अगर हमारे वैल्यू हरारकी में या वैल्यू सिस्टम में नहीं है तो हम कहीं से भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इसीलिए ये बिहेवियरल चेंजेस हमारे माइंडसेट से स्टार्ट होंगे मैम आपने बहुत अच्छा